जीवन कभी समान नहीं रहता। इंसान कभी दुख तो कभी सुख, कभी हंसी तो कभी आंसू, कभी बेचैनी तो कभी सुकून का साक्षी बनता है। जीवन में समस्याएं लगातार आती रहती हैं और जीवन में उतार चढ़ाव आना ही तो जीवन का सौंदर्य है। जो व्यक्ति समस्याओं को लेकर चिंतित होते हैं वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं और धीरे धीरे अवसाद के शिकार हो जाते हैं। फिर उनके अंदर हीन भावना आने लगती है, जिसके चलते अवसाद और बढ़ता है। तब व्यक्ति महसूस करने लगता है कि मैं इस दुनिया में किसी काम का नहीं, या फिर जो मेरे साथ समस्याएं हैं वह दुनिया में किसी के साथ नहीं है। मैं सबसे दुखी इंसान हूँ, मेरा जीना अब सही नहीं है। इस तरह की सोच आने का एक ही मुख्य कारण है और वो है आत्मबल की कमी। समस्या कितनी छोटी अथवा बड़ी है, यह समस्या की गहनता पर नहीं बल्कि इंसान के आत्मबल पर निर्भर करता है। क्योंकि अक्सर ही देखा गया है कि कुछ लोग छोटी सी समस्या से ही घबरा जाते हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग छाती का जख्म भी हंसते हंसते सह लेते हैं। इंसान के दिमाग में विचार चलते ही रहते हैं। कभी कभी नकारात्मक विचारों का आ जाना कोई गलत नहीं, लेकिन उन विचारों पर अमल कर लेना बेहद गलत है। इसलिए किसी भी इंसान को जब कभी आत्महत्या का विचार आए तो वह निम्न बातों को जीवन में अपनाकर आत्महत्या से बच सकता है। सुबह जल्दी उठने का नियम बनाएं और ताजी हवा में प्राणायाम के साथ साथ 10 से 15 मिनट ध्यान करें। योग को जीवन में अपनाएं। हेल्दी डाइट लें। सही समय पर सोएं। मोटिवेशनल वीडियोस देखें। अपने इंटरेस्ट वाले काम करें। हॉबीज को टाइम दें। ध्यान अच्छे कामों में डाइवर्ट करें। जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरे ध्यान व लगन से करें और अनावश्यक विचारों से बचें। अपने प्रियजनों व विश्वास के लोगों से बात करें, उनसे अपनी समस्या साझा करें। समस्या के समाधान हेतु संभावित प्रयास करें व प्रार्थना भी करें। ईश्वर पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ें। जैसे सभी धर्मों में लिखा है, केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एक इंसान जो ऐसी समस्या से नहीं जूझ रहा है लेकिन उसका कोई अपना, कोई परिचित दुखी या परेशान है, तो उसे चाहिए कि वह उसकी परेशानी सुने। समस्या का समाधान ना भी कर सके तो भी अपने शब्दों द्वारा उसका सहारा बने। क्या पता हमारे दो शब्द किसी को मौत के मुंह से बचा ले। तो आइए मिलकर आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकें और ईश्वर द्वारा दी गई इस अत्यंत सुंदर व अनमोल दान को बचाएं। For more such videos and latest updates on our social causes, please join us and subscribe to our YouTube channel Youth Firangnai. You can also like our Facebook page and follow our Insta handle Youth Firangnai. For any queries, reach out to youthfirangnai2010@gmail.com or www.youthfirangnai.org. Thank you.